इंसानों की गतिविधियों का दुष्परिणाम दुनिया की जैव विविधता पर पड़ रहा है। इसी के चलते आज कई महासागरीय जीवों का जीवन संकट में है। ऐसी ही एक प्रजाति है डुगोंग। भारत की तटीय सीमा से लगे सागरों में पाई जाने वाली इस प्रजाति के संरक्षण के लिए हाल ही में घोषणा की गई है। इसी के तहत देश का पहला डुगोंग संरक्षण भंडार तमिलनाडु में जल्द ही स्थापित होगा। 300 किलो वजनी डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। इनकी औसत आयु 65 से 70 साल होती है। अपने पूरे जीवन काल में यह समुद्री घास खाते हैं, साथ ही सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। रखा गया लाल सूची में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने डुगोंग को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में रखा है। इसे असुरक्षित जीव का दर्जा दिया गया है। यह जीव दुनिया के 37 देशों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में मनार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप के सागर में पाया जाता है। मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तटों तक गर्म तटीय पानी में पाया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।